हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास रेडमी का फ़ोन है और आपके फ़ोन पर यहाँ पे जो पेटीएम एप्लीकेशन है वो डाउनलोड नहीं होता है, तो इस प्रॉब्लम को आप लोग यहाँ पे कैसे ठीक करेंगे, तो वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप लोग यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको जो है फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले सेटिंग में जाना है और यहाँ पे आप लोगों को नीचे में आ जाना है और एप्लीकेशन में आ जानी है और फिर मैनेज एप्लीकेशन में आना है और यहाँ पे आपको प्ले स्टोर लिख कर आपको सर्च करना है और स्टोरेज में आ जाना है और इसका जो डेटा है वो आप लोगों को यहाँ पे क्लियर ऑल डेटा कर लेना है तो फिर आपको क्लियर कैचे कर लेनी है। और उसके बाद गाइस यहाँ पे आप लोगों को नीचे की ओर आनी है और ऐप परमिशन में आना है। ऐप परमिशन में आने के बाद गाइस यहाँ पे आप लोगों को जितना भी परमिशन आपको मांगता है वो परमिशन आप लोग यहाँ पे अलाउ कर लीजिए। ओके, तो सॉरी थोड़ा नॉइज़ यहाँ पे आपको आया होगा क्योंकि रात के यहाँ पे 2:30 बज चुके हैं, फिर भी यहाँ पे सड़कों में जो है गाड़ियाँ यहाँ पे चली है। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे टॉपिक में आते हैं कि आपको यहाँ पे क्या करना है। आपको यहाँ पे जो है जितना परमिशन मांग रहा है इसको क्लिक करिए और अलाउ कर लीजिए। तो उसके बाद फिर यहाँ पे आपको और कुछ भी सेटिंग नहीं करनी है, बस आपको यही सेटिंग करनी है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपके भी फ़ोन पर पेटीएम का जो एप्लीकेशन है वो आसानी से डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।